आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दंगाइयों ने ट्रेलर दिखाया लेकिन योगी ने पूरी फिल्म दिखा दी। वह लोकतंत्र में अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन भीड़ तंत्र का रोड पर आना पथराव करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर लगातार विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन विरोध की ये कैसी आग है जो शहर शहर कहर बनकर टूट रही है। आम जनता पत्थरबाज बन गई, वही अब मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी का बुलडोजर मामले के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में हिंसा के पीछे किसका षड्यंत्र? पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। योगी राज में हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं, नुकसान की होगी भरपाई, हिंसा पर कड़ी कार्रवाई। 9 जिलों में 13 FIR, 304 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 3 मुकदमों में 5,450 अज्ञात, 95 नामजद। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भड़के उपद्रव का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कनेक्शन सामने आया है। देश भर में जेएनयू से ही CAA और NRC का विरोध शुरू हुआ था। प्रयागराज में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद मास्टरमाइंड जावेद अहमद के पंप और घर पर बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही जावेद अहमद की बेटी जो जेएनयू में पढ़ाई कर रही है, उसकी भी इस मामले में संलिप्तता की आशंका है। पुलिस सारा से भी पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में अब तक 9 जिलों में 13 FIR दर्ज की जा चुकी है और 304 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, इस मामले में सीएम योगी भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, जहां सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है और फील्ड के अधिकारियों को फ्री हैंड कर दिया। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था, वो इसीलिए कहा था। पहले से ही हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए, अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे, उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। लोकतंत्र में अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन भीड़ तंत्र का रोड पर आना पथराव करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जावेद के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। गिराने से पहले उसके घर पर नोटिस भी चौस्पा किया गया था। 11 बजे तक घर खाली करने की बात उसे कही गई थी। साथ ही जब बुलडोजर की कार्रवाई होने के बावजूद घर से कई प्रकार के पोस्टर भी निकले हैं, प्रतिबंधित जो संगठन है PFI के झंडे भी बरामद हुए हैं, तमाम तरह के झंडे बरामद हुए हैं। हिंसा हुआ, हिंसा में आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, पत्थरें फेंकी गई। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठकर सामने आता है वो यह आता है कि किताब पकड़ने वाले हाथों में पत्थर किसने थमा दिया? कौन है जिम्मेदार इसका? देश का युवा, जो देश का भविष्य है, उसके हाथ में पत्थर कैसे? जिसके कंधे पर देश का भविष्य है, उसके हाथ में पत्थर कैसे? किताब लेने की उम्र में युवाओं के हाथ में पत्थर कैसे? और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका परिचय उनके साथ करा दूं। KC जैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी आनंद स्वरूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद राशिद जनरल सेक्रेटरी AMU हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राजी हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले मोहम्मद राशिद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किताब वाले हाथों में पत्थर किसने थमा दिया? आखिर किसने लगाई ये आग? मोहम्मद राशिद जी, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण मोहम्मद राशिद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ केसी जैन जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। यूपी में हिंसा के पीछे किसका षड्यंत्र है केसी जैन जी? जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से दंगे की तस्वीरें सामने आ रही, किसका षड्यंत्र है इसका? और प्रशासन किस तरह से अब इस पर कार्य करेगी कि दोबारा ऐसी षड्यंत्र करने की हिम्मत कोई ना कर सके? देखिए, कानपुर में दंगा भड़कने के बाद कानपुर में लगभग 50 से ज्यादा इस तरीके के जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि कानपुर में आपको दंगे की कोई तस्वीर नहीं दी, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जिस प्रकार से षड्यंत्र किया गया, और इसके पहले पीस कमेटियां की मीटिंगें भी हो चुकी, एक अंदेशा था, साथ ही साथ एलआईयू की रिपोर्ट भी आ रही थी कि इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो जो भी मुअज्जिज़ लोग थे, सम्मानित लोग थे समाज के, उसमें चाहे मौलाना थे, मुल्ला मौलाना थे या और प्रतिष्ठित लोग थे, उनके साथ बैठ के पुलिस ने हर जिले में मीटिंगें की, बातचीत की, वार्ता की, और उसका परिणाम ये निकल के आया कि इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी, आप हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने दीजिए। तो क्या हुआ कि शुक्रवार को जुमे की नमाज वाले दिन जिन मस्जिदों में पहले 50 लोग नहीं जाते थे, वहां 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद में नमाज के जस्ट बाद जिस प्रकार से नारेबाजी की, पत्थर लेकर के पुलिस को दौड़ाया, क्योंकि पुलिस वहां पहले से मुस्तैद थी, पुलिस रक्षा के लिए वहां खड़ी थी। लेकिन केसी जैन जी, जिस दिन ये घटना सामने आई है, पूरे प्रदेश में पुलिस मुस्तैद थी, अलर्ट था पूरे उत्तर प्रदेश में। हालांकि ये तस्वीरें सिर्फ उत्तर प्रदेश से सामने नहीं आई है, दिल्ली से भी सामने आई है और जगहों से भी सामने। जब इतनी मुस्तैदी थी, कई जगहों पे धारा 144 लागू थी, तो हुआ कैसे ये घटना? ये जवाबदेही तो प्रशासन की भी बनती है। देखिए, बिल्कुल जवाबदेही जो बनती है उसका जवाब दिया जा रहा है, और जिन लोगों ने एक तरीके से धोखेबाजी की, गद्दारी की, कि देखिए पीस कमेटियों की मीटिंगें किन लोगों के साथ में हुई, फिर ये भी कहा गया इन लोगों के द्वारा जो पीस कमेटी में जो लोग शामिल थे पुलिस मीटिंगों में, उन्होंने कहा कि देखिए ये इसमें अराजक तत्व बाहर से आ गए। अरे बाहर से एक मस्जिद में एक जगह पे अराजक तत्व आ सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 लोग आ सकते हैं, लेकिन हर जिले में तो लोग नहीं आ सकते अराजक तत्व, हर जिले में छोड़िए, पूरे देश भर में, वेस्ट बंगाल में भी हुआ, रांची में हुआ, झारखंड में हुआ और बिहार में भी हुआ, तो ये पूरे देश में एक साथ एक टाइम पे अगर ये दंगा भड़क रहा है, अगर ये पत्थरबाजी हो रही है, अगर मस्जिदों से निकलने के बाद लोग इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, और बच्चों को आगे किया गया षड्यंत्र करके, जिससे कि पुलिस ना तो आंसू गैस के गोले छोड़ पाए, ना पुलिस लाठीचार्ज कर पाए, ना पुलिस भीड़ को हटा पाए, क्योंकि बच्चों को देख करके पुलिस जाहिर सी बात उसके हाथ पैर थम जाएंगे, बंध जाएंगे, इसलिए षड्यंत्र के द्वारा बाकायदा बच्चों को आगे किया गया, वो बच्चे जो कल का भविष्य हमारे भारत देश का, उनको आगे किया गया, इस षड्यंत्र में शामिल किया गया, तो उनपे भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इन बच्चों को भेजा और जिन्होंने इन बच्चों को उकसा करके आगे किया। पहले से ही बच्चे वहां पर एकत्रित किए गए और बच्चों को आगे किया गया, जिससे कि पुलिस कोई कार्रवाई न करने पाए, इतना बड़ा षड्यंत्र। और ये भी पता चल रहा, ये भी जानकारी मिल रही है, अभी आपने एक नाम लिया कि PFI की पुस्तकें, किताबें, साहित्य और तमाम सारी चीजें मिली हैं, तो बिल्कुल उसकी भी जांच हो रही है कि कहां से फंडिंग हुई, कौन लोग थे जो इसको पूरा मैनेज कर, पूरे देश भर में इसको मैनेज कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, केसी जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़े, हमारे साथ महंत जी जुड़े हैं धर्म संसद के। केसी जैन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। उन लोगों पे कार्रवाई होगी जो इस तरीके के षड्यंत्र में शामिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कार्रवाई होगी, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि इस तरह की घटना ही ना उत्तर प्रदेश में सामने आए। महंत जी, महंत आनंद स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत स्वरूप जी, क्या इस तरह से रामराज का सपना साकार होगा? क्या इस तरह से रामराज आएगा? किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी घटना को? ये
अल्लाह राज गजवाए हिंद स्थापित करने का जो इनका षड्यंत्र है पाकिस्तान और बांग्लादेश लेने के बाद, या लगातार उस कार्य में लगे हैं, ये उनका एक ट्रेलर था जो इन्होंने दिखाया। और योगी जी ने भी जो ट्रेलर दिखाया है, शायद इनको समझ में आ गया होगा कि तुम अगर कुछ ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर भी गिराया जाएगा, तुम टूटे भी जाओगे, गिरते जाओगे। सभी भी हिंदू समाज के लोग इस प्रकार की सार्वजनिक संपत्तियों का पुलिस पे कभी हमला करने का कार्य आज तक आपने नहीं सुना होगा। ये जो काम हुआ है, ये सब हुआ है जब मदनी बदलू एक हो गए। अभी आपने देखा होगा देवबंद के अंदर दोनों चाचा भतीजे दोनों एक हो गए, जो उनकी मदनीते हैं दोनों, और दोनों एक होकर के बोले कि हमको लड़ना होगा और जिसको हम पसंद नहीं वो ये देश छोड़ के चला जाए। तो इन्होंने उनके कहने के बाद ही ये लगातार शुक्रवार के दिन, देखिए अब तक ऐसा नहीं भाई, ये तो वैचारिक क्रांति है। हम अपने राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, कृष्ण के चरित्र के वर्णन चरित्र से चर्चा करते हैं, अगर हदीसों में लिखा है और नूपुर शर्मा ने कह दिया तो उसमें अगर गलत है तो मौलानाओं को आकर के जवाब देना चाहिए, आप दर्शन कैसे काट देंगे और उसको आपने अपमान कैसे समझ लिया, आपने हदीस में जिसको लिखा हुआ है। तो ये जो चीजें हुई, या नूपुर शर्मा पे बहाना है, जज्बाए हिंद बनाना है, इस कारण ये काम हुआ है। हमको सबको और हिंदू समाज को सावधान होना चाहिए कि लड़ाई आपको स्वयं लड़ना होगा। यदि यह शुक्रवार के दिन फिर कुछ काम करते हैं तो शुक्रवार को इनको पहले से अलर्ट होना चाहिए। ये कई कई मोर्चे पे जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर है, कई लोग फेलियर हुए हैं। पुलिस की गई रांची में आपने देखा है सीसीटीवी किस प्रकार से चिल्ला रहा था, आपने इसके पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा। जो इनका गजवाए इंद्र का षड्यंत्र है, ये उनका पार्ट थ्री था, पार्ट फोर अभी आएगा, और ये तो लगातार जब तक इस्लाम का अंतिम व्यक्ति रहेगा तब तक ऐसे ही हिंसा होती रहेगी। इनके पास तलवार के अलावा, गला काटने के अलावा कोई काम नहीं है। जी बिल्कुल, रजी हसन जी, किसका षड्यंत्र है, कौन है षड्यंत्र के पीछे? जो युवा जिनके हाथ में किताब होना चाहिए उनके हाथ में पत्थर थमा दिया गया, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके दिमाग में नफरत घोल दिया गया है। देखिए ये प्रकरण उस दिन से उठा है जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी और उनके एक दौरे के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर और प्रवक्ता पद पर जो रही हमारी पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा जी, ऐसा क्या कहने की जरूरत है? आर्टिकल 295 में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के धर्म के प्रति भी अगर कोई टीका टिप्पणी या गलत तरीके से कोई अपनी बात रखते हैं तो 2 साल का कारावास और उसके लिए फिर जुर्माना, जो कि संविधान के तहत लिखा हुआ। जिस तरह से नूपुर शर्मा जी ने जो भी अपनी भाषा में अपनी वाणी में उन्होंने रखा और कहा, जो कि इस्लाम धर्म के बारे में या किसी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो, कि ईसाई धर्म का, सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करके चलना चाहिए, जो कि एक हमारे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के धरोहर है। कभी अशफाक उल्ला खान साहब जैसे लोग और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे और चंद्रशेखर आज़ाद, अगर उन लोगों ने भी अगर ऐसी मानसिकता का स्वरूप दिखाया होता तो क्या आज हम लोग हिंदुस्तान में आज़ाद इस तरीके से स्वतंत्र तरीके से अपनी बात इस चैनल के माध्यम से आज़ादी की सांस ले रहे होते? नहीं ले रहे होते। क्या कभी किसी ऐसे, क्या अशफाक उल्ला खान और सरदार भगत सिंह ने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जहां पर इतना जातिवाद, इतना धर्मवाद, एक दूसरे के धर्म के प्रति हम ऐसी टीका टिप्पणी करेंगे जिससे हमारे भारत के देशों का बच्चों का भविष्य और भारत देश की तरक्की रुकेगी? ऐसा कभी नहीं सोचा था, मगर ऐसा अगर हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों की है। जी जी महान जी, मैं इसलिए लापरवाही कहता हूं जी कि हम लोगों ने भारत को एक गुलदस्ते की तरीके से सजा के रखा है। अगर कहीं ना कहीं किसी के टीका टिप्पणी से करने से हमारे भारत देश में या हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई आँच आने का काम होता है तो इसमें सरकार द्वारा या विपक्ष के सभी दलों को द्वारा अपने एक बैठक बुला लेनी चाहिए थी। मैं जैन साहब अपनी बात कर लूँ फिर उसके बाद आप कहिएगा। मैं चाहूँगा जैन साहब
कि सरकार को और विपक्षी दलों को एक साथ बैठ करके अपने प्रतिनिधि मंडल बना करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, और जहां पर दंगा होने की संभावना थी या हो गया है वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था बनाने की जरूरत है। और आपने सही कहा कि आज देश के हाथ में, देश के बच्चों के हाथ में पत्थर कैसे आ गया, पत्थर कैसे आ गया, ये बड़ी सोचने का विषय है हम लोगों के लिए। आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो देश के बच्चे और भी बर्बाद होने की कगार पर खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आज अगर हमारे देश में रोजगार की दर बढ़ा होता, आज हमारे देश में अगर बेरोजगारी का दर बढ़ा होता, अब बेरोजगारी कम हुई होती, नौजवानों को नौकरियां मिल रही होती, तो वाकई कोई निपटना चाहता है देश का नागरिक, चाहे कोई कितनी नुपुर शर्मा आ जाए या कोई भी आ जाए, नहीं बांट सकता हमारे भारतवर्ष को, नहीं बांट सकता हमारे उत्तर प्रदेश को, नहीं बांट सकता हमारी एकता अखंडता को। हम तो यही इस चैनल के माध्यम से और इस प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से हम सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि चाहे जितने नुपुर शर्मा जैसे लोग आ जाए देश को भड़काने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, हम सभी लोगों को एकजुट होकर के इनका मुकाबला करना है और इनके बहकावे में नहीं आना। रजी हसन जी, अगर बयानबाजी पर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या प्रदेश में आग लगा दिया जाएगा? प्रदेश में आग लगा दिया जाएगा? क्या मोहम्मद पैगंबर आज होते वो देख के ये खुश होते? अगर आज वो होते तो जिस तरह से प्रदेश जल रहा है, देश जल रहा है, वो खुश हो रहे होते? अगर किसी ने टिप्पणी कर दी तो क्या इसके लिए कोई प्रदेश जला देगा? देखिए, क्यों टिप्पणी कर देगा? टिप्पणी कर, आप पढ़े लिखे, देखिए टिप्पणियां तो तमाम लोग करते हैं, ये गलती है नूपुर शर्मा की। आप सुन लीजिए, टिप्पणी अगर नूपुर शर्मा की है ये तो व्यक्तिगत उनकी हो सकती है, ना कि पूरे भारत वर्ग के सनातन धर्म की हो सकती है। जी। आप अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। जी, जी, मैं अगर भारतीय समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नेता होने के नाते, अगर मैं किसी जैन साहब को कटघरे में खड़ा करता हूं कि अगर ये बच्चों के हाथ में पत्थर है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, अगर इन हाथ ये अगर ये बेरोजगार हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर हैं, आप उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सरकार में बैठे, मैं कह सकता हूं। मगर यहां पर ये विषय नहीं, यहां पर राजनीति का विषय नहीं, यहां पर केसी जैन साहब सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिए, यहां पर राजनीति करने का कोई विषय नहीं, यहां पर कोई बात करने का कोई विषय नहीं है, यहां पर देश में एकता शांति और प्रदेश में शांति व्यवस्था कैसे बनाई जाए, एक साथ मिलकर खड़े होकर हम लोग सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, सबको एक साथ लेकर के खड़े हो। आप सुन लीजिए, जब सुनने आप सुनने तो नहीं चाहते, अभी हम आपको अपनी बात, मतलब आप सुन रहे किसी जैन साहब, सुनिए तो मेरी बात, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं, कोई चुनाव नहीं होने जा रहा, अभी दो चार दस दिनों में कोई डिबेट पे वोट नहीं पड़ने जा रहे, पहले मेरी बात सुन लीजिए, किसी जैन साहब बात सुन लीजिए, अब आप बात नहीं सुनेंगे तो बोलने का मतलब नहीं। कोई मुस्लिम, आप बताइए क्यों नहीं आपने प्रतिनिधि मंडल बनाया? आपके उप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, आप ही की सरकार का 2017 से लेकर 2022 तक काला चिट्ठा खोल रहे हैं, अस्पतालों में स्ट्रेचर्स नहीं है, अस्पतालों में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप एक प्रतिनिधि मंडल बना नहीं सकते थे? पक्ष का विपक्ष का, कि जाइए लखनऊ शहर से उन्नाव और कानपुर जाइए, शांति व्यवस्था का एक संदेश दीजिए। केसी जैन जी, रजी हसन जी, केसी जैन जी, सुनना नहीं चाहते। रजी हसन जी, महन जी को अपनी बात रखने दे, महन जी अपना पक्ष रखे। आप एक साधारण तरीके से मैं बात कहना चाहूंगा, जी सुन लीजिए, भगत सिंह क्या चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे, चंद्रशेखर आजाद क्या चाहते थे, क्या वो चाहते थे कि 1947 में भारत का बंटवारा हो और पाकिस्तान बने, क्या वो चाहते थे कि बांग्लादेश बने, और क्या आपने क्यों की रहमानी का को कंडेम किया, रहमानी ने लगातार, आज ये चर्चा का विषय नहीं है आनंद स्वरूप जी, आप ये बताइए देश में शांति का माहौल, भाईचारा कैसे कायम रखा जाए। आज इस डिबेट में मैं बोलने सिर्फ यही आया हूँ कि उत्तर प्रदेश जो जलने की कगार पर खड़ा है, और हम चाहते हैं कि सारे विपक्षी दल, सारे सत्ता के दल, सारे सोशल वर्ग, सारे सनातन धर्म, सारा सिख धर्म, सारा इस्लाम धर्म एक होकर के जिन हाथों में बच्चों के पत्थर है उनके उज्जवल भविष्य को कामना करें, बस ये चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई विषय नहीं है चर्चा का। रजी हसन जी, रजी हसन जी, एक बात मैं आपको बता दूं, भारत का एक एक मुसलमान यही चाहता, एक भी नहीं चाहता, अगर एक चाहता तो रहमानी को कटघरे में खड़ा करते, और रहमानी ने लगातार अभी भी, आज भी सभी लोग, मैं तो केसी जैन साहब से कहना चाहूंगा, महन जी को बात रखने दे, रजी हसन जी, अब आप हमारी बात सुनेंगे नहीं, क्यों नहीं रहमानी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया,
मैं देश भर के मौलानाओं से, दुनिया के मौलानाओं से कहना चाहता हूँ, यदि तुमको कुछ भी सुनने का मौका नहीं है, तुम सैन्य के अधिकारी नहीं हो, तुमने सुनने का मजाक नहीं बनाया होता, तो नुपुर शर्मा साहिल बात नहीं कहती। मेरा ये कहना, और भगत सिंह का नाम लेने के लिए तब तैयार होते जब तुमने पाकिस्तान नहीं मांगा होता, जब बांग्लादेश नहीं मांगे होते, जब बंटवारा हो गया, क्या यही सपना देखा था भगत सिंह ने, देश का बंटवारा होगा इस नाम के नाम पर, और फिर जाकर के दूसरे पाकिस्तान की मांग करेंगे? क्या यही सपना देखा था कि कश्मीर में तुम लगातार धर्म देख करके गोलियां मारोगे? यही भगत सिंह ने सपना देखा था? इसका जवाब दीजिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूँ, यदि आप एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है तो उसके नाते बात करिए, आपको रहमानी को भी कंडेम करना चाहिए, यदि आप शर्मा की बात किए थे। मैं आपका सम्मान करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक मैं सम्मान करता हूँ। आज इस डिबेट का मतलब सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, भारत वर्ष में हमारे शांति का माहौल किस तरह से बनाया जाए, हमें इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए। हमें नहीं करना नुपुर शर्मा पे चर्चा। चलिए ठीक है, उन्होंने टीका टिप्पणी की, वहां पर उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। आज देश के नौजवान और बच्चों के हाथ में जो पत्थर आ रहा है उसकी चिंता करिए, देश का भविष्य खतरे में जा रहा है। राजीव हसन जी, एक सेकंड, केसी जैन जी, आप सभी को मौका मिलेगा, दो मिनट सुन लीजिए। बात नूपुर शर्मा के बयान की हो रही है, अगर एक बयान के चक्कर में पूरा प्रदेश सुलगा दिया जाता है तो सुनिए आधिकारिक बयान। लिखित में नूपुर शर्मा ने अपना बयान वापस लिया है, उनका एक ट्वीट सामने आया है, मैं वो पढ़ के पहले आप लोगों को बता दूं। नूपुर शर्मा ने लिखा है, पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर मैं जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं फव्वारा है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ज्ञान व्यापी की बातें चल रही हैं। सुन लीजिए पूरा। पहले दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव जी के अपमान में ऐसी बातें कही जाती थी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने रोष में आके कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। जब ये कह के वापस लिया गया, लिखित में वापस लिया गया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, अगर उन्हें सजा दिलानी थी, उनकी गिरफ्तारी चाहिए थी, तो क्यों नहीं सारे मौलाना सामने आए, क्यों नहीं शहर काजी सामने आए? प्रदेश में आग लगा देंगे क्या आप लोग? प्रदेश सुलगा देंगे क्या आप लोग? किसी ने अगर बयान दे दिया तो सुलगा देंगे? तो ठीक है, अगर यही सब आप लोगों को करना है तो अब जो हिंदू हैं उनको शिवलिंग को फव्वारा कहा गया, वो आग लगाए, तो क्या आप लोग आग लगाते हुए चलेंगे? है कौन जो इस तरह की हिंसा को भड़का रहा है? जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा? DMSSP पत्थरे चले हैं, उनको चोटें आई हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जो तस्वीरें सामने आई है, युवा हाथ में पत्थर लेके पत्थर चला रहे, ये हमारे देश का भविष्य है? हम इससे उम्मीद करते हैं कि हमारा देश आगे जाएगा? किसी के बयान पे आप लोग प्रदेश सुलगा देंगे क्या? रजी हसन जी बताएं आप, जब बयान वापस लिया गया था तो इसकी क्या जरूरत थी? एक बात समझिए, यहाँ पर आज जो भी मुद्दा डिबेट जिस पर चल रही है, हम इस डिबेट में आने के लिए आपने हमें बुलाया, मैं उसके लिए धन्यवाद आपका पात्र हूँ, और इस चैनल के सभी श्रोताओं को सबका धन्यवाद देता हूँ। आज अगर नुपुर शर्मा जी ने पत्र लिखकर और ट्वीट करके अपना जो बयान दिया उन्होंने वापस लेती हैं, वो ठीक है, मगर मुद्दा ये नहीं है। आज मुद्दा हम तो यही देखना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं टीवी पर बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रतिष्ठित चैनल है आपका, बहुत अच्छा चैनल चल रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा केसी जैन साहब से और जो है महंत जी से और हमारे बगल में जो बैठे जो प्रवक्ता जी हैं, क्या नाम इनका, मोहम्मद राशिद साहब, हम सभी लोग एक आपसी सौहार्द बनाकर देश में संदेश देने का काम करें, ताकि आज ये जो घटना हुई है, ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं हुए, कभी दंगे होते हैं, और दंगे वाले करने वाले आकर मेरे भारत में, मेरे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में आकर के चुप्पे बाहर के रास्ते से आते हैं और दंगा करके चले जाते हैं और आपसी हम लोगों का सौहार्द बिगाड़ कर चले जाते। हम बस इतना इस चैनल के माध्यम से महंत जी से भी निवेदन करेंगे और केसी जैन साहब से भी निवेदन करना चाहेंगे कि अब जो घटनाएं हुई उनको देखते हुए हम सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा और आपसी सौहार्द बनानी पड़ेगी, और ऐसे चाहे वो नुपुर शर्मा जी का कमेंट हो या किसी अदरवाइज किसी का भी कमेंट हो, उसको इग्नोर करके आपसी सौहार्द बनाए, ताकि देश में शांति का माहौल बने और देश हमारा
पूरा हिंदुस्तान हमारा, तुम्हारा भारतवर्ष हमारा आगे तरक्की करे, ताकि देश में नौजवान रोजगार पाए और युवाओं को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी बिल्कुल। केसी जैन जी, जब पहले से अलर्ट था पूरे प्रदेश में, इसकी जानकारी पहले से थी, पहले से लोगों को पता था कि जुमे की नमाज के बाद 3 जून को एक बार हिंसा भड़क चुकी है, हिंसा हो चुका है, पथराव हुआ था, खुलेआम पेट्रोल बम चलाए गए थे, उसके बाद प्रशासन की लापरवाही कैसे? क्या LIU को नहीं पता था? पत्थर इकट्ठा की गई थी, क्या प्रशासन को नहीं पता था? बताइए। देखिए आपने जो प्रशासन पे प्रश्न लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 जवाब है उसके, और उसको प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को दी है। कि पहली बात तो ये कि प्रशासन अलर्ट था, इसीलिए प्रशासन ने सारे जिलों में सब जगहों पे 30 कमेटियां बना करके, उसमें जो भी चाहे शहर काजी रहे हों, मुल्ला रहे हों, मौलवी रहे हों, या नमाज पढ़ाने वाले लोग रहे हों, उनसे सबसे वार्ता की और शांति की अपील की। उन्होंने उसको स्वीकार किया, कहा कुछ भी आगे ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात कि कहीं पे भी किसी को नजरबंद नहीं किया गया कि आप नमाज पढ़िए, किसी के धर्म को रोका नहीं गया। अगर ऐसा होता तो कहते कि आपने जबरन रोका, इसलिए हमने ऐसा किया। तीसरी बात ये कि उसके बाद में भी पुलिस अलर्ट थी, लेकिन जब बच्चों को आगे कर दिया गया तो बच्चों के ऊपर पुलिस ना लाठी चार्ज कर सकती थी, ना आंसू गैस के गोले छोड़ सकती थी, बच्चों से पत्थर चलवाए गए। ये बहुत बड़ा अपराध है, सामाजिक अपराध है, जिन लोगों ने अपने घरों के बच्चों को ऐसे कुकृत्य करने के लिए भेजा और जिन लोगों ने उकसाया, दोनों लोग सबसे ज्यादा दोषी है, जिन्होंने भरोसा तोड़ा, जिन्होंने गद्दारी की, पीस मीटिंगों में कुछ कहा, वहां जाके कुछ किया, उससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा। फिर भी रजी साहब ने एक अच्छी बात कही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये कहता हूँ कि देखिए, अगर किसी बयान का कंडम स्वयं उन्होंने किया, इतने धर्मगुरु उन्होंने भी किया, पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया, इसलिए उसको इशू बना करके ऐसा कोई कृत्य मत करिए जिससे कि आपका पूरा धर्म बदनाम हो, आपके कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा संप्रदाय बदनाम हो। हमारे सारे मुस्लिम भाई गलत नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस तरीके का कुकृत्य कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन जो हिंसा हो जाएगी, जो मारकाट हो जाएगी, जिसमें अगर किसी की जान चली गई, कोई कैजुअल्टी हो गई, वो वापस आने वाली नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों से बचिए और शांति व्यवस्था बनाए रखिए, भारत देश के कानून पर भरोसा रखिए, और जो भी आपको कार्रवाई भी करनी है, जो भी आपको प्रदर्शन करना है, शांतपूर्ण तरीके से करिए। आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आप बैठिए, आप धरने पे बैठिए, आपको लगता है आपको इतना कुछ नहीं हो रहा, देश है, सबको हक है अपनी बात रखने का। हमारे साथ महान जी जुड़े। महान जी, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश जलने लग रहा है, देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाइयां हो रही है, हालांकि इस घटना से पहले जो भी मौलवी है, जो भी हिंदू धर्म के सीनियर्स हैं, उनको बैठा के मीटिंग की गई, प्रशासन के द्वारा, DMSSP के द्वारा बैठा के मीटिंग की गई, किस तरह से आप इसको देखते हैं और किस तरह से अब हमारा, हमारे जो धर्म गुरु है, हमारे जो महंत है, वो किस तरह से इसमें अपनी पहल देंगे कि हमारे देश को इस तरह के रास्तों पर जाने से बचाया जा सके? देखिए, ये मेरी बात को सुनेंगे नहीं, ये तो मौलाना की बात सुनेंगे ना, लेकिन महान जी मौलानाओं ने भी तो अपील किया था, मौलाना लोगों ने भी, उन लोगों ने भी तो अपील किया था जी, करके बोलते हैं कि पत्थर चलाओ। आप फिर कल्पना करिए कि तुमने क्या, जैसा ये कहते हैं कि बड़ा 5 दिन होता है शुक्रवार, 5 दिन मस्जिद से निकल करके, हमारे यहाँ मंदिर से निकलते हैं तो एक टैग चल रहा है कि प्रसाद लेके निकलते हैं, इनके यहाँ मस्जिद से निकल रहे हैं तो क्या पढ़ाता है मौलाना, तो निकल करके पत्थर मारने लगते हैं, बम मारने लगते हैं, पेट्रोल पंप चलाने लगते हैं। ये तो जैसा ये कहेंगे वैसा ही वो करेंगे। अगर वो जाहिल ना होते तो पत्थर मारते, अब आज 200-300 लोग जेल में हैं, उनकी माताएं थाने के बाहर खड़ी हैं, ये कोई मौलाना उनको छुड़ाने भी नहीं जा रहा। तो ये तो नौजवानों को सोचना होगा उनके, ये जो हाथों में पत्थर समा रहे हैं, जो पेट्रोल पंप समा रहे हैं, क्या तुम्हारे साथ कल को खड़े होंगे? तो देश में हिंसा सिर्फ और सिर्फ मौलाना रोक सकते हैं। इस्लाम का जो वो है, मैं योगी जी से भी कह रहा हूँ, मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कह रहा हूँ, मौलानाओं को उठा के जेल में डालिए, आप देखिए अगले शुक्रवार को हिंसा होगी नहीं। अभी फिर से बरेली में बशीर रजा ने इतना होने के बावजूद भी फिर से काल लिया है, फिर से हम वहां प्रदर्शन करेंगे शुक्रवार को। बशीर रजा लगातार अपने बयानों की चर्चा में रहता है, हिंदू समाज को गाली देता है, वो हिंदू समाज को मारने की बात करता है, उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर से काल दिया, इतनी हिंसा के बावजूद भी 17 जून को काल दिया उसने।
मेरा अभी अभी कुछ अच्छी तो मौलाना है इनके पास, अब उसके पास 1 लाख युवा है, जब चाहता सड़क से उतार देता है, उनका फैलाने लगता है। तो आज अभी आज डाल दिया, आप उठा करके जेल में डालिए, रास्ता लगाइए, एनएसए लगाइए। कानून का काम तो दंड से दंड विधान से चलेगा ना, बात करने से तो होगा नहीं। और इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, इनके ऊपर जब तक कड़ा दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। दंड से ही शांति रहेगी, ऐसा चाणक्य ने कहा। तो चाणक्य नीति यहाँ पे लागू होनी चाहिए, इनके ऊपर जितना हो सके उतना कड़ा दंड देना चाहिए। ये बातों से मानने वाले लोग नहीं है, अगर बातों से मानने होते तो पिछले जुमे को इन्होंने हिंसा किया, इनको छोड़ा गया, और इस जुमे को फिर से इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में हिंसा कर दिया। ये सुनियोजित षड्यंत्र था, पीएफआई के झंडे जगह जगह मिल रहे हैं, और पता नहीं क्यों भारत सरकार पीएफआई पे प्रतिबंध नहीं लगा रही। आश्चर्य की बात है, वो लगातार अपने पैर फैलाते जा रहे हैं, वर्दी पहन करके रोज पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, भारत के झंडे को बहुत पैरों तरह रौंद रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है? मेरा प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से, और इस भाजपा के प्रवक्ता साहब इस प्रश्न को पहुंचाएं वहां पे जाकर के। तो मेरा कहना, जब तक आप बड़े बड़े मौलानाओं को जेल में नहीं घुसेंगे, उनके ऊपर रास्ता और कंजेस्टर नहीं लगाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। रजी हसन जी, अभी सफीकुर बर रहमान जो है उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये पथराव करते हैं तो मजबूरन करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्थर लेकर सड़क पर उतर गए, पुलिस को टारगेट करने लगे? बताइए, इतने जिम्मेदार है सफीकुर बर रहमान, किस तरह का जवाब दे रहे हैं वो? देखिए, पथराव करना, दंगा कराना और जिस तरह का अराजकता फैलाना, ये तो ना ही इस्लाम धर्म कर सकता है, ना ही कोई सनातन धर्म कर सकता है, ना ही कोई किसी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। ये तो एक षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अगल बगल या कहीं से भी घुसे हुए राज्यों से हमारे उत्तर प्रदेश में घुस के अराजकता का माहौल फैला रहे, तो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। और रही बात सफीकुर रहमान बर्क साहब की, देखिए, टीका टिप्पणी करने पर किसी पर पाबंदी नहीं। अभी आपने खुद कहा कि नुपुर शर्मा जी के टीका टिप्पणी कर लेने से इतना सारा बवाल हो गया। अगर सफीकुर रहमान साहब अपनी व्यक्तिगत बात कह सकते हैं तो नुपुर शर्मा ने भी तो व्यक्तिगत कहा था, इन्होंने कहा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर ये होगा कि एक पक्ष के खिलाफ हो रही है, तो क्या मेरी बात सुनिए, क्या अब इनके खिलाफ हिंदू पक्ष के लोग उतर जाए पत्थर लेकर के? तोड़ने वाली भाषा या देश को बहकाने वाली भाषा, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे देश की सरजमी से रिलेटेड हो, अगर कोई अगर गलत करता है तो उसके लिए सब लोगों को एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं देता है, आप ये समझ लीजिए, देश को हो करके इस तरह का देश को तोड़ने वाली बयान देंगे, देश को तोड़ने वाली बात कोई ना करे, आपस में सौहार्द बनाए रहे। हम लोग, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते केसी जैन साहब से मैंने अभी यही निवेदन किया और महंत जी से भी निवेदन किया कि अगर कोई ऐसी स्थिति पड़ती है तो केसी जैन साहब, महंत जी और मैं खुद निकलूंगा लोगों के बीच में, जनता के बीच में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसी सौहार्द बनाए रहें, देश को अखंडता को, एकता को बनाए रखें, और ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो। हम भी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं देश के, यहाँ पर कोई पार्टी का ना, मैं ये एक स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि यहां पर मैं एक बीजेपी या सपा के प्रवक्ता के पद से नहीं, मैं एक इंसानियत और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देश का युवा होने के नाते यहां पर बैठा हूं और अपनी बात कह रहा हूं, और केसी जैन साहब से कहूंगा कि आप भी देश का भविष्य, सब लोग अरे कौन सब लोग आएंगे साथ में? आप आएंगे क्यों नहीं आएंगे? आप बताइए, आप आएंगे आपको निंदा करना, क्यों नहीं जाएंगे आप भाई? आप बताइए, हमारे एक विधायक समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी पूरी ईमानदारी से जनता को समझाने के लिए, जनता के लिए लगे हुए। आपको भी एक प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी गठबंधन, सभी दल एक साथ मिलजुल करके एक मंच पर बैठ करके पहले एक मीटिंग कर लें कि देश में आपसी सौहार्द बनाने का काम हम लोगों का करना है, ना कि रोटी सेकना है इसी आग में। नहीं तो रोटी तो सेक रहे हैं, रोटी तो सेक, समाजवादी पार्टी के नेता रोटी, आप रोटी तो फिर आप हमको बता रहे हैं, आपने प्रेम एसपी के नाम पर रोटी सेकी, किसानों की हत्याओं के नाम, अब किसानों का हत्यारा ही कहना पड़ेगा आपको?
अब आप ऐसी मैं यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि मैं यहाँ पर देश के नौजवान के नाते यहाँ बैठा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उकसा रहे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, कोई कौन उकसा, आपने एमएसपी के माध्यम से आपने किसानों के ऊपर इतने लोगों के ऊपर जो है उनकी हत्याएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? देश का अन्नदाता, देश का अन्नदाता अपना हक मांग रहा था, देश का अन्नदाता हक मांग रहा था, आपने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो क्या उसका हक छीन लेंगे आप? आप देखिए यहाँ पर राजनीति, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, कोई व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आप केसी जैन साहब मेरी बात सुन लीजिए, फिर कह रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि देश में सौहार्द बनाए रहिए, अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो विपक्षी दलों को एक साथ बैठक बुला लीजिए, सारे दलों की बैठक बुला कर कानपुर घटना पर एक बैठक बुला लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी से कहिए आप करने करेंगे नहीं, क्योंकि आपको 2024 दिख रहा है, आपको 2024 दिख रहा है, इसी रोटी सेकने के बाद आप 2024 सेक रहे हैं, आप क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं भेजा प्रतिनिधिमंडल अपना, आपने प्रतिनिधिमंडल आपके विधायक आपका सांसद वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ शांति व्यवस्था नहीं की? आपसे मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए केसी जैन साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में आपसी सौहार्द बनाने के लिए अगर आपको विपक्षी दल विपक्षी दलों की जरूरत है तो समाजवादी पार्टी सफीकुर रहमान ने, मेरी बात सुनिए, सफीकुर रहमान ने जो बयान दिया इसके बाद कोई शांति सौहार्द नहीं बन पाएगी, अरे कौन सी मजबूरी है कि पत्थरबाजी कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कह दिया कि मजबूरी है पत्थरबाजी करना, आप कहते हैं आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान वासी आप हैं, लेकिन आपकी मजबूरी हो गई पत्थरबाजी करना, आपने किस उन्होंने किस तरह का एक प्रतिष्ठित नेता है, वो सीनियर नेता है, किस तरह का बयान उन्होंने दिया, मजबूरी है पत्थरबाजी करना, देखिए पत्थरबाजी करना, पत्थरबाज करना कोई दीन है ना कोई धर्म है, सुनिए ज्ञानवादी मामला भी हुआ था, पत्थरबाज का ना कोई दीन है ना कोई धर्म है, आप ही के पार्टी के सीनियर नेता ने कहा, आपके पार्टी के सीनियर नेता ने कहा, कैसे कह दिया आप बताइए, पत्थरबाज का ना कोई दीन है ना कोई धर्म है, मैं तो इस चैनल के माध्यम से भाई जैन साहब से, और देखिए देश में जो हिंसा बढ़ी है उसमें घी डाल रहे हैं सफीकुर रहमान और कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिए कौन घी डाल रहा है जनता भी देख रही है, कौन लगा है वहां पर आपसी सौहार्द बनाने के लिए जनता भी देख रही, जनता सब देख रही है, आप शीतला जी आप देख रहे हैं, आपने अपने चैनल के माध्यम से आपने देखा है, समाजवादी पार्टी के दो विधायक अमिताभ वाजपेयी और हाजी इरफान सोलंकी पूरी मुस्तैदी से जनता के बीच में लगे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, ऐसा कौन सा ऐसा कानपुर का शहर, उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे सफीकुर रहमान, और उनका साथ देने के लिए किस पार्टी का विधायक वहां पर पहुंचा बताइए, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है, भारतीय जनता पार्टी से वहां मिनिस्टर भी है, अगर आपसी सौहार्द बनाना था तो इरफान सोलंकी को अमिताभ वाजपेयी को और वहां के सांसद को एक साथ बैठ लेना चाहिए था और उसके बाद रोड पर निकलना चाहिए था कि देखिए हम लोग साथ में, हमारा विपक्ष साथ में, आप लोग भी आपस के सौहार्द बनाए रहिए, आपस में मिलते रहिए, आपस में भाईचारा कायम रखिए, देखिए देश कैसे टूट जाएगा, कभी ऐसे नहीं टूटेगा, मगर करना नहीं चाहते, उसी में 2024 की रोटी सेकना चाहते हैं। कथनी और करनी में अंतर है। अरे क्या कथनी में अंतर है, आप अपना एक विधायक का नाम बताइए जो कानपुर में अंतर है, आप जैन साहब कानपुर में एक अपने विधायक का नाम बताइए जो जनता के बीच में बैठा हो, जो दंगे अभी जो दंगा हुआ जिसमें व्यापारियों का नुकसान हुआ उसका दर्द सुन रहा हो, आप बताइए आपका विधायक कौन ऐसा वहां पहुंचा, आप रोटी सेकना चाह रहे हैं, 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप दंगा भड़का, आप दंगा खत्म नहीं करना चाहते, हम घोर निंदा करते हैं और आपको भी इसकी निंदा करनी चाहिए, मैं निंदा करता हूं इस घटना की, समाजवादी पार्टी इस घटना की निंदा करती है, देश में अराजकता फैलाने वालों की निंदा करती है, युवाओं के हाथ में जो पत्थर दिया है आपने उसकी भी निंदा करती है, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई आपने उसकी भी निंदा करती है, आजम खान साहब जैसे फिर आप भी अजय मिश्र टेनी जेल में है और कार्रवाई जारी है, मेरी बात सुनिए, आप दोनों लोगों से मैं 2 मिनट की शांति चाहूंगी, बस मेरा ये निवेदन है, देखिए चैनल के माध्यम से केसी जैन साहब, फिर मैं शांतिपूर्वक आपसे अपनी बात कह रहा हूं, हमारे दो विधायक
अमित वाजपेयी, इरफान सोलंकी लगे, आप अपना विधायक, आप अपने सांसद, आप अपने सांसद, आप अपने विधायक, आप अपने मिनिस्टर को कब कानपुर भेज रहे हैं आपसी सौहार्द बनाने के लिए? भाईचारा कायम करने के लिए कब भेज रहे हैं आप? आपको तो चाहिए था वहाँ पर जो व्यापारियों का नुकसान हुआ, जो सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ, उस पर जाते, उस पर आप लोगों से मिलते, लोगों से निवेदन करते, लोगों से भाईचारा कायम करने की बात करते, मगर आप स्टूडियो में बैठ कर खाली बोलना चाहते हैं। आप चैनल पे बैठ गए, आप बोलना शुरू कर दिए। आपने कभी आपस की सौहार्द की बात करी? आप अभी किस किसी पे से आप जो पत्थरबाजी करवा रहे हैं, कहा भारत में आपके नेता, उत्तर प्रदेश में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, जो पीठ थपथपा रहे हैं 2024 की तैयारी, आप 10 मार्च से चुनावी मोड में आ जाते हैं। आपने खुद इस मंच से कहा कि समाजवाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती, तो क्या जी चुनावी मोड का मुद्दा है क्या? चुनावी मुद्दा नहीं, देश के भविष्य का मुद्दा है, देश के बच्चों के हाथ में पत्थर का मुद्दा है, देश के बच्चों के रोजगार का मुद्दा है, देश में मस्जिद का मुद्दा बना बनाइए, मेरी बात सुनिए रजी हसन जी, रजी हसन जी, रजी हसन जी, देश में महंगाई कम करने का मुद्दा बनाइए। केसी जैन साहब, जब अच्छा जो पत्थरबाजी पत्थरबाजी हो रही है, इसको मुद्दा कौन बना रहा है? जनता के मिलेंगे ये, नहीं ये बयान तो कौन दे रहा है कि अच्छा किया, बढ़िया किया, आप मजबूर थे इसलिए पत्थर चला दिया, ये किसके बयान है? पत्थर चलाने वाले लोग पत्थर चलाएंगे, आप पत्थर चलाते हैं, पत्थर चलाने वाले लोग बोलेंगे, अरे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग, ये किसके बयान है? ऊपर लाठियां चढ़ाने वाले लोग, फिर तो तुम्हारे 7.5 सब किसान थे, बेचारे थे, बच्चे थे, शहीद करवाने वाले लोग ये बात करेंगे, पत्थर चला दिए, हजारों की संख्या में पत्थर चला दिए, आप कानपुर में तुम्हारे उसके बाद आपने कानपुर में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, एक बार भी आपने नहीं कहा साथ में बैठना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, राग राग है, अरे आपने एक बार नहीं कहा ये पत्थरबाजी हो रही है, आप सत्कार वाली हो, इसको जेल भेजा जाए, आप कभी आप मैं आज से इस मंच के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जनता के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ सरकार से कि उत्तर प्रदेश में शांति का सौहार्द बनाने के लिए अगर विपक्ष के बड़े दल की जरूरत हो, बड़े दल की जरूरत हो, तो समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं आपसी सौहार्द बनाने के लिए, आपसी देश में मजबूती कराने के लिए और लोगों को पत्थर की जगह कलम पहुंचाने के लिए लगे हुए लोग में समाजवादी पार्टी के लोग, आप भी उनका साथ दीजिए, देखिए पत्थर से वो कलम में तब्दील हो जाएगा, कलम से वो फूल में तब्दील हो जाएगा और वो फूल हिंदुस्तान के गुलदस्ते में लगेगा और हिंदुस्तान एक दिन बहुत और ज्यादा तरक्की करेगा। वर्दी खून से रंगने के बाद वो पत्थर बाद कलम पकड़ ले जाएंगे, क्या बात है? केसी जैन जी, गाड़ी चलाने वाले भी कलम, मेरी बात सुन ले रजी हसन जी, आपने सोफा दे दिया वीआईपी, ऐसी कोई बात नहीं है, उन पर आपने गाड़ी चलाने वालों को तो सोफा दे रखा है, मंत्रिमंडल में हिस्सा दे रखा है, कार्यवाही जारी है, और अगर आप बात कर रहे हैं ना तो उनकी भी कुर्सी आपको भी पता है कि क्या जारी है, कार्टून बनता है डेनमार्क में, इसी गंदी सोच के लोग, गंदी सोच के लोग शहीद स्मारक पार्क को उखाड़ देते हैं, वो शहीद स्मारक जिसपे जवान जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, की बात करें ना, भी थे मुसलमान भी थे, शहीद हो गया, हटके बात नहीं करें, 750 किसान देश का अन्नदाता शहीद हो गया, लोगों ने काला कानून वापस लेने के लिए देश का 750 किसान शहीद हो गया, आप तो शहीदी की बात ना करें, चाइना के बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो गए, देश का नौजवान जवान जो देश की रक्षा कर रहा, जो आपको हमको सुरक्षा दे रहा, वो शहीद हो गया, आप क्या बात करते हैं? कभी पूछा उन किसानों का दर्द, कभी पूछा उन जवानों का दर्द जो सरहद पे, कभी आप कभी सोचे आप नहीं सोचेंगे, आप तो सिर्फ 2024 की तैयारी कर, हम कहते हैं इस चैनल के माध्यम से आप कल चलिए कानपुर अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेगा और उनका अगर हाथ जोड़ा होगा हाथ जोड़ेगा, देश को सौहार्द बनाने का काम करेगा समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मगर आप निकल के दिखाइए, आप अपने निकल के दिखाइए, आप तो एसी के कमरों से निकलना नहीं चाहते हैं, देश में आपसी सौहार्द बनाना नहीं चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, या मुझे बुलाइए मैं आऊंगा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपसी सौहार्द बनाने का काम करूंगा, आप मुझे बुलाइए तो
आप नहीं बनाना चाहते, आप एमएसपी पे मानेंगे नहीं, कर रही है। किसानों की गाड़ी चढ़ाएंगे, 750 किसान मर जाता है, पेंशन उसको देंगे नहीं, उसकी मजबूरी समझेंगे नहीं, चाइना बॉर्डर पे हमारा जवान शहीद हो जाता उसके परिवार को पूछेंगे नहीं, पुलवामा में हमारा जवान शहीद हो जाता उसको पूछेंगे नहीं। आप देश को किस भारत से ले जाना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए मुझे। लगातार बोलते रहते हैं, केवल आप लोग बात को सुनने की आदत डालिए, प्रवक्ता है, आप लोग बात को सुनने की आदत डालिए, आप लोग बात तो सुनने की आदत डालिए। तमाम तरह के मुद्दे तो आप लोग लेकर के सामने आ गए। 3600 पदरियों पे कार्रवाई हो रही है, उन पे भी कार्रवाई चल रही है। मेरी बात सुनिए, इस तरह से नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नेता दो लोग जाके लोगों की सेवा कर रहे हैं और आपके सीनियर क्या कह रहे हैं, मजबूरी में पत्थर चलाते हैं। किस तरह का बयानबाजी है सामने, किस तरह की ये बयानबाजी है, पत्थर चला रहे हैं, मजबूरी में पत्थर चला रहे हैं, ये कहने के बजाय कि हम कड़ी निंदा करते हैं, पत्थर चला रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी तालीम दी गई थी जुमे के नमाज के दिन 3 जून को और 3 जून के बाद कि हिंसा भड़क गई। मौलानाओं ने ये नहीं कहा कि निकल के जाओ और सौहार्द फैलाओ, खाली नेताओं ने क्या ले रखा है, नेताओं ने सिर्फ जिम्मेदारी दे रखी है क्या सौहार्द फैलाने की। और इस तरह के जो भी इस तरह की घटना में संलिप्त है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश ही रहेगा, किसी को कोई हक नहीं है उत्तर प्रदेश में दंगे फैलाने का। आखिरी बार मैं जवाब में महन जी से चाहूंगी, महन जी आपने सुना पूरे डिबेट को, जिस तरह से जब सौहार्द और शांति की बात होती है तो हम आपस में ही भिड़ जाते हैं, हमारे युवा लड़ रहे, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? महन जी तकनीकी खराबी के कारण महन जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, कि फाइनल कमेंट में केसी जैन जी से चाहूंगी। केसी जैन जी, क्या इस तरह से लड़ करके, इस तरह से बहस करके, और रही बात टिप्पणी की, तो क्या इस तरह से टिप्पणी करके हम सौहार्द बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल नहीं। देखिए, शत्रुकुल रहमान बर्क जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं दंगाइयों का, पत्थरबाजों का पीठ थपथपाने वाला बयान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आड़ ले रहे हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों मजबूर। पत्थरबाजों को कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और रही बात कानूनी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई हो रही है, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से हमने पहले भी अपील की, फिर अपील कर रहा हूं कि ये कोई तरीका नहीं है। संविधान ने आपको विरोध का अधिकार दिया है, लेकिन विरोध संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। फिर विरोध की यहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कानून पूरा काम कर रहा है, कार्रवाइयां लगातार हो रही है, पक्ष हो विपक्ष हो, पार्टी का व्यक्ति हो पार्टी के बाहर का व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है। उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है, तो ऐसे में किसी को भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और क्या पत्थरबाजी करने से इन समस्याओं का हल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक बात आपने कही थी, मैं वो भी दोहरा दूं कि अगर मोहम्मद साहब होते, या मोहम्मद साहब ने क्या लोगों को ये तालीम दी है? हम तो एक कहानी सुनते हैं कि वो निकलते थे तो एक महिला थी, वो कूड़ा उनके घर पे, उनके सिर पे हमेशा फेंक देती थी, वो मुस्कुराते हुए चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक दो दिन निकले तो वो उसका कूड़ा सिर पे नहीं पड़ा, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी है, घर के अंदर गए, देखा वो बीमार पड़ी है, तो उसके इलाज दवा दारू की व्यवस्था की उन्होंने की। तो इस तरीके का उन्होंने पैगाम दिया, उनके साथ जो बुरा किया उसके लिए भी उन्होंने अच्छा किया। तो ऐसे में अगर कोई किसी बयान से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, दूसरी बात यह कि उन पर कार्रवाई भी हो रही है, तीसरी बात ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, इन पत्थरबाजों की पीठ थपथपाने की कोशिश न करे, इससे आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इससे प्रदेश में शांति नहीं आएगी। और एक चीज, अगर कोई कैजुअलिटीज हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, लेकिन उसकी जान वापस आने वाली नहीं है। इसलिए ऐसी घटनाओं से बचिए, ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे कि ये लोगों की, लोगों को उकसावा मिले और फिर से ऐसी घटना करें। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कोई भी निर्दोष फंसेगा नहीं और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। जी बिल्कुल रजी हसन जी, एक शॉर्ट में कमेंट में आपसे चाहूंगी, समय की कमी होने के कारण क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? मैं इस चैनल और सबसे बड़ा सवाल एक चीज, जो अभी सफीकुर बर्क रहमान जी की तरफ से जो बयान आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो सबसे पहले लास्ट कमेंट बचाए तो हम इस पूरे भारतवर्ष उत्तर प्रदेश की जनता को हम ये समर्पित करना चाहेंगे शांति व्यवस्था के लिए। कोई कमेंट नहीं किसी के बारे में, हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग
एक बहुत बड़ा गुलदस्ता के रूप में तैयार हुआ था। हम लोगों को बढ़िया व्यवस्थाएं, देश में हम लोगों की अमन चैन शांति थी, और उसी तरह एक गुलदस्ते की तरह के हर कलर का फूल बन करके देश में रहें, उत्तर प्रदेश में रहें, आपसी सौहार्द बनाए रहें, और हम लोगों की जहां जरूरत पड़े केसी जैन साहब भी जाएंगे हमारे साथ, मैं भी जाऊंगा देश में सौहार्द बनाने का, और लखनऊ या कानपुर या उत्तर प्रदेश में किसी जिले में भी ऐसी कोई घटना ना हो, ये ईश्वर से मैं कामना करता हूं, प्रभु से मैं कामना करता हूं, और अल्लाह से मैं कामना करता हूं कि ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी ना हो और हम लोगों की आपसी सौहार्द बनी रहे। ईद में जैन साहब हमारे घर आएँ और दीपावली में जैन साहब के घर पर दिया हम अपने जात से प्रज्वलित करें, यही शुभकामनाएँ हैं देश के लिए और यही संदेश। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये घटना सामने आई है उससे यही दिखता है कि कहीं ना कहीं है किसी ना किसी की चूक है, क्योंकि सारा हिंदू और सारा मुसलमान एक तरह नहीं है। जिस तरह से दिवाली, ईद और दशहरे के मौके पर एकता की भी तस्वीरें सामने आती, उसी तरह एक ऐसी घटना भी सामने आई जो कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर किसी को इक्वल मौका है। हालांकि अभी जो ताज़ा अपडेट सामने आ रही है वो प्रयागराज में 3600 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज के चर्चा में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।